दोस्तों बीसीसीआई इस तीन खिलाड़ी को सिलेक्ट ना करने के वजह से इस तीन खिलाड़ी इस बार वर्ल्ड कप में खून के आंसू रोएगा ये तीन खिलाड़ी। तो कौन है वो तो तीन खिलाड़ी जिनका हो गया है करियर बर्बाद, बताएंगे पूरा खबर की जानकारी इसी वीडियो में दोस्तों। उससे पहले आप भी चाहते हैं इस बार इंडिया टीम वर्ल्ड कप में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कराइए बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अभी वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित होगा इसी वजह से जो भारत टीम इंडिया टीम अभी बहुत ही जोर शोर से प्रैक्टिस मैच कर रहा है और वार्म अप मैच भी खेल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी जो इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 भी जारी हो चुका है, लेकिन इस तीन खिलाड़ी को कभी भी मौका नहीं मिलता है। एशिया वर्ल्ड कप में भी नहीं मिला, एशियन गेम्स में भी नहीं मिला, और जो ओडीआई वनडे फॉर्मेट किसी भी मैच में मौका नहीं दिया जाता है। हद तो जब हो गया, इस बार वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला। दोस्तों पहले खिलाड़ी की नाम कर लेते हैं, वो है जो शिखर धवन। ये सो शिखर धवन आपको तो पता ही होगा, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है जो अपना गेंदबाजी से जो टैल कमा जाता है। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी अभी फॉर्म से नहीं गुजरा, इसी वजह से यहाँ पर भारत टीम इस खिलाड़ी को अनदेखा कर दिया। दूसरे नंबर में जो खिलाड़ी है वो है युजवेंद्र चहल। ये दोस्तों युजवेंद्र चहल भी आज से जो दो साल पहले बहुत ही अच्छा फॉर्म से गुजर रहा था, अपना जो बल्लेबाजी गेंदबाजी से पूरा तहलका मचाता था, लेकिन इस खिलाड़ी को भी अभी मौका नहीं गया और सिलेक्शन नहीं किया गया जो इंडिया टीम की तरफ से। और तीसरे नंबर में जो खिलाड़ी है उसको तो बहुत ही सताया गया, वो है जो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार। ये दोस्तों भुवनेश्वर कुमार अभी पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। इस खिलाड़ी को वनडे फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट, पूरा हर एक क्रिकेट से इनको हटा दिया गया और बस ये खिलाड़ी आईपीएल ही खेलता है। तो आप बंधु की क्या राय है, अपना कीमती राय जरूर बताएं।